विद्यार्थियों, अपना पाठ नंबर 3 चल रहा था, जिसमें अभी हम बाह्य आक्रमणों के बारे में जान रहे हैं। बाह्य आक्रमणों में यूनानी आक्रमण और शकों के आक्रमण पूरे हो चुके हैं। अभी हम कुषाण वंश के बारे में जान रहे हैं। कल हमने कुषाण वंश से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ ली, जिसमें हमने कनिष्क के बारे में जाना और कनिष्क की सैनिक उपलब्धियों को जाना। आज हम कुषाण वंश की आगे की जानकारी देखेंगे। तो कुषाण वंश में कुषाण वंश ये चल रहा था अपना। कुषाण वंश में आज हम जानेंगे कुषाणों का साम्राज्य विस्तार। आज हम कुषाण वंश का साम्राज्य विस्तार जानेंगे। कुषाण वंश भारत में आए विदेशी वंशों में एक शक्तिशाली वंश था। कुषाण वंश ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क को शुरू में छोटा सा राज्य ही प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में कनिष्क ने अपने सैनिक उपलब्धियों के बल पर और अपनी सेना के बल पर पूरे विश्व में एक बहुत बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य की स्थापना की। तो कनिष्क का जो साम्राज्य विस्तार है वो इस प्रकार से है। कौशाम्बी, मथुरा, सारनाथ, आदि स्थान। भारत में कौशाम्बी, मथुरा, सारनाथ आदि स्थानों से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये सब अभिलेख कुषाण कालीन अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से हमें कुषाण वंश के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों के आधार पर हमें पता चला है कि कुषाणों के सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क का शासन पूरे विश्व में उत्तर में पामीर से लेकर दक्षिण में कोंकण तक था और पश्चिम में खुरासान से पूर्व में बिहार तक विस्तृत था। कौशाम्बी, मथुरा और सारनाथ में जो अभिलेख प्राप्त हुए, उन अभिलेखों के आधार पर हमें पता चलता है कि कनिष्क का शासन पूरे विश्व में उत्तर दिशा में कौशाम्बी, मथुरा और सारनाथ के अभिलेखों की जानकारी के आधार पर हमें पता चलता है कि कनिष्क का शासन उत्तर में ये यहाँ पर पामीर है, यहाँ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक और पूर्व में खुरासान से लेकर पश्चिम में बिहार तक, ये इतना बड़ा जो क्षेत्र था ये कनिष्क का साम्राज्य था। तो कनिष्क एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। शुरुआत में उसका साम्राज्य केवल एक छोटा सा क्षेत्र ही था, लेकिन अपनी सैनिक उपलब्धियों और विजयों के बल पर कनिष्क ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उत्तर में पामीर से लेकर कोंकण तक, पश्चिम में खुरासान से लेकर बिहार तक, ये जो संपूर्ण क्षेत्र था इस पर कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उत्तर में पामीर से लेकर दक्षिण में कोंकण तक
और पश्चिम में खुरासान से लेकर पूर्व में बिहार तक इतने बड़े क्षेत्र पर कनिष्क का भारत में शासन क्षेत्र था। तो कनिष्क के समय में कुषाणों का साम्राज्य विस्तार काफी ज्यादा हो चुका था। अब हम जानेंगे कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था कुषाण वंश की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? बहुत सारे इतिहासकारों की जानकारी के आधार पर पता चलता है कि कुषाण वंश के जो शासक थे वो निरंकुश थे, यानी कुषाण वंश में शासक का चुनाव, राजा का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता था, बल्कि जन्म के आधार पर होता था। पिता के बाद में उसका पुत्र ही अगला शासक बनता था। ये प्रणाली कुषाण वंश में प्रचलित थी। तो कुषाणों की जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश शासन व्यवस्था थी। कुषाण साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य था। कुषाणों की जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश और क्षत्रप प्रणाली पर आधारित थी। कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था निरंकुश और क्षत्र प्रणाली पर आधारित थी। क्षत्र प्रणाली क्या होती है कि कुषाणों का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। उस पूरे बड़े साम्राज्य पर राजा का शासन होता था, राजा ही सर्वेसर्वा होता था। कुषाणों का साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था और प्रत्येक प्रांत पर क्षत्रप का राज होता था। कुषाणों का साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, प्रत्येक प्रांत पर क्षत्रप का राज होता था। क्षत्रप राजा के अधीन रहकर प्रांतों में शासन व्यवस्था चलाता था। तो सबसे ऊपर राजा का पद होता था, राजा के नीचे क्षत्रप होते थे जो राजा की आज्ञा से प्रांतों में शासन व्यवस्था चलाते थे। इसके अलावा कुषाण प्रशासनिक व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण पद और थे, एक तो दंडनायक और एक महादंडनायक। क्षत्र प्रणाली के अलावा दो महत्वपूर्ण पद, एक तो दंडनायक और एक महादंडनायक। ये दो महत्वपूर्ण पद थे कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था में। दंडनायक और महादंडनायक नाम के दो महत्वपूर्ण पद थे। ये दोनों ही महत्वपूर्ण पद कुषाणों की प्रशासनिक मशीनरी के कड़ी की तरह कार्य करते थे। कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक मशीनरी के कड़ी के रूप में ये दो महत्वपूर्ण पद थे। इन दोनों महत्वपूर्ण पदों का कार्य राजा की आज्ञा और नीतियों का क्रियान्वयन करना और उनको साम्राज्य में प्रचलित करना होता था। तो ये कुषाणों की प्रशासनिक व्यवस्था थी जो बहुत ही अच्छे प्रकार की थी। इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के फलस्वरूप ही कनिष्क या अन्य कुषाण राजाओं ने एक बड़े साम्राज्य पर शासन को सही ढंग से चलाया, शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने में वो सफल हुए। आगे हम जानेंगे कुषाणों से संबंधित अन्य जानकारी। कुषाण वंश की अन्य जानकारी में हम जानेंगे कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक एवं पोषक। कनिष्क कुषाण वंश का एक शक्तिशाली शासक था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक एवं पोषक माना गया है। कनिष्क एक महान विजेता
और एक महान शासक ही नहीं था बल्कि भारतीय इतिहास में कनिष्क का स्थान बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक और महान पोषक के रूप में भी है। बौद्ध साहित्यों में मिली जानकारी के आधार पर यह पता चलता है कि बौद्ध साहित्यों में कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता था। बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है उसे बौद्ध साहित्य कहते हैं। बौद्ध साहित्य में कनिष्क को दूसरा अशोक कहा गया। बौद्ध साहित्य में कनिष्क को दूसरा अशोक कहा गया है। कनिष्क ने भी अशोक की ही भांति जन कल्याण के कार्य किए और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक और प्रचार प्रसार करने के कारण कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। तो कनिष्क भारतीय इतिहास में दूसरे अशोक के नाम से भी प्रसिद्ध है। कनिष्क शुरुआत में ईरानी धर्म, बाद में यूनानी धर्म और बाद में हिंदू धर्म इनको अपनाते हैं। कनिष्क शुरू में ईरानी धर्म के अनुयायी थे, बाद में वो यूनानी धर्म के अनुयायी बने और बाद में वो हिंदू धर्म के अनुयायी बने। इतिहासकारों के अनुसार पता चलता है कि पाटलिपुत्र पर विजय हासिल करने के बाद में कनिष्क को बौद्ध धर्म का एक बड़ा विद्वान जिसका नाम था अश्वघोष वो प्राप्त हुए। पाटलिपुत्र पर विजय हासिल करने के बाद में अश्वघोष कनिष्क के साथ उनकी राजधानी में चले गए और कनिष्क के दरबार में ही रहने लगे। तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष से प्रभावित होकर अश्वघोष के कहने पर कनिष्क ने बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और हिंदू धर्म को त्याग कर कनिष्क आगे आने वाले समय में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो ईरानी धर्म, यूनानी धर्म और हिंदू धर्म के बाद में चौथे नंबर पर कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कनिष्क चौथे नंबर पर या अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी कनिष्क अश्वघोष की प्रेरणा से बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी अश्वघोष की प्रेरणा से बना। अश्वघोष कनिष्क को पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ, पाटलिपुत्र पर विजय हासिल करने के बाद में प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद में कनिष्क बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया। वो तरह तरह के कार्यों से बौद्ध धर्म को भारत में ही नहीं बल्कि अपने संपूर्ण साम्राज्य में और विश्व के बाहरी देशों में भी बौद्ध धर्म को फैलाने लग गया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कनिष्क ने अशोक की ही भांति कुछ अधिकारी नियुक्त किए और उन अधिकारियों और बौद्ध भिक्षुकों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कनिष्क दुनिया के अन्य देशों में भेजता रहा। इसके अलावा कनिष्क ने खुद के साम्राज्य में या विश्व के अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानों पर बौद्ध स्तूपों और बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया। तो इस प्रकार के निर्माण कार्य और अधिकारियों को नियुक्त करके कनिष्क लगातार बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कनिष्क एक महान विजेता और महान राजा ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का एक संरक्षक यानी बौद्ध धर्म की रक्षा करने वाला और उसका प्रचार प्रसार करने वाला राजा भी भारतीय इतिहास में सिद्ध होता है। आगे हम देखेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन एवं चतुर्थ बौद्ध संहिति
आगे हम जानेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन एवं चतुर्थ बौद्ध संहिति। पिछली जानकारी पर हमें पता चला है कि अशोक बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक और पोषक था। उसने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के तरह तरह के कार्य किए। कनिष्क के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना यह भी है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। इसके अलावा बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या बौद्ध धर्म में जो प्रचलित विवादस्पद सिद्धांत थे, जो विवाद स्वरूप सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का हल करने के लिए कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संहिति का आयोजन भी हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संहिति, बौद्ध धर्म में चार संहितियों का आयोजन हो चुका है। संहिति का मतलब होता है सम्मेलन, किसी भी धर्म से संबंधित जो सम्मेलन होता है उसको संहिति कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित तीन सम्मेलन पहले हो चुके थे, जिनको प्रथम बौद्ध संहिति, द्वितीय बौद्ध संहिति, तृतीय बौद्ध संहिति के नाम से जाना गया। बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन यानी कि चतुर्थ बौद्ध संहिति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संहिति करने का जो प्रमुख कारण था वो कारण था बौद्ध धर्म में उपस्थित विवादस्पद सिद्धांतों का हल करना। ये प्रमुख कार्य था बौद्ध धर्म में उपस्थित विवाद सिद्धांतों का हल करना। इस प्रमुख कार्य के लिए चतुर्थ बौद्ध संहिति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संहिति का आयोजन कनिष्क के समय में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संहिति का जो स्थान था यानी चतुर्थ बौद्ध संहिति किस स्थान पर हुई, तो चतुर्थ बौद्ध संहिति कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन नाम के स्थान पर हुई। चतुर्थ बौद्ध संहिति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। यह बौद्ध संहिति मुख्यतः 6 माह तक चली थी। बौद्ध धर्म का यह बहुत बड़ा सम्मेलन था और यह सम्मेलन कुंडल वन में 6 माह तक चला। इस संहिति में 500 से भी ज्यादा बौद्ध विद्वान उपस्थित हुए थे। चतुर्थ बौद्ध संहिति में 500 से भी अधिक बौद्ध विद्वान उपस्थित हुए और उपस्थित होकर इन बौद्ध विद्वानों ने बौद्ध धर्म में जो विवादस्पद सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का हल किया। चतुर्थ बौद्ध संहिति में मुख्यतः किए गए कार्य जो थे वो इस प्रकार से हैं कि बौद्ध साहित्य का सूक्ष्मता, बौद्ध साहित्य की सूक्ष्मता से जांच। चतुर्थ बौद्ध संहिति में बौद्ध साहित्य की सूक्ष्मता से जांच की गई यानी उसकी बारीकी से जांच की गई और जो जो कमियां बौद्ध साहित्य में थी उनको निकाला गया। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में एक तीन प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, त्रिपिटक। बौद्ध साहित्य में तीन प्रमुख पुस्तकें हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। उन तीन पुस्तकों के नाम विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक हैं। इन तीनों बौद्ध पुस्तकों को त्रिपिटक बोला जाता है। तो चतुर्थ बौद्ध संहिति में जो त्रिपिटक थे इन त्रिपिटकों के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया यानी त्रिपिटकों को संकलित करके एक ग्रंथ का रूप दिया गया और उस ग्रंथ का नाम महाविभाष रखा गया। त्रिपिटकों के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया और उस ग्रंथ का नाम महाविभाष रखा गया। त्रिपिटकों को संकलित करके महाविभाष नाम का ग्रंथ लिखा गया। इस महाविभाष नाम के ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश
महाविभाष नाम के ग्रंथ को कहा जाता है जो त्रिपिटकों को संकलित करके लिखा गया था। तो ये बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति की के महत्वपूर्ण कार्य हैं। एक तो बौद्ध साहित्य की शुद्धता से जांच और एक त्रिपिटकों के ऊपर महाभाष्य लिखा गया। इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति का प्रमुख परिणाम, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति का प्रमुख परिणाम क्या निकला? चतुर्थ बौद्ध संगीति का प्रमुख परिणाम यह निकला कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया, दो शाखाओं में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो सबसे बड़ा परिणाम हमारे सामने आता है वो ये है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया। उन दो शाखाओं के नाम मुख्यतः हैं, पहली शाखा रही हीनयान और जो दूसरी शाखा बटी उस दूसरी शाखा का नाम रहा महायान। तो बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, ये प्रमुख परिणाम था चतुर्थ बौद्ध संगीति का। तो अब हम बौद्ध धर्म के विभाजन के बारे में थोड़ा जानेंगे। बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, बौद्ध धर्म की जो मूल शाखा थी वो हीनयान के नाम से जानी गई और बौद्ध धर्म की जो नई शाखा बनी वो महायान के नाम से जानी गई। तो जो पुराना बौद्ध धर्म चलता आ रहा था वो तो हीनयान के नाम से जाना गया और जो नई शाखा बनी वो महायान के नाम से जानी गई, उसके बारे में हम जानते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने आता है वो परिणाम है बौद्ध धर्म का विभाजन, यानी बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया और बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया। तो बौद्ध धर्म की जो दो शाखाएं हमारे सामने आती है उसमें पहली शाखा थी हीनयान, हीनयान, और दूसरी शाखा है महायान। तो इन दोनों शाखाओं के बारे में हम जानते हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में सामने आई। हीनयान बौद्ध धर्म की मूल शाखा है, मूल शाखा, और महायान नवीन शाखा है, नवीन शाखा। हीनयान शाखा में पाली भाषा का प्रयोग होता है, पाली भाषा, और महायान शाखा में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। ये दोनों शाखाओं के अंतर है, इन पे ध्यान दें। हीनयान शाखा में पाली भाषा का और महायान शाखा में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। इसके अलावा इन दोनों शाखाओं के एक प्रमुख अंतर यह भी है कि हीनयान शाखा में महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को केवल एक महापुरुष माना गया, महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना गया और उनकी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा है, इस हीनयान शाखा में बौद्ध धर्म का जो प्रमुख देवता है, जो प्रमुख महापुरुष है, वो महात्मा बुद्ध है। तो महात्मा बुद्ध को हीनयान शाखा में केवल महापुरुष माना गया और उनकी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, जबकि महायान शाखा में महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा दिया गया, यानी ईश्वर माना गया। और उनकी मूर्ति पूजा भी होने लगी, होने लगी। ये प्रमुख अंतर है हीनयान और महायान का। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता था,
पूजा भी होने लगी। तो बौद्ध धर्म की जो नवीन शाखा बनी महायान, उस शाखा में संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग होने लगा और इस शाखा में महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा देकर उनकी मूर्ति पूजा भी होने लगी। ये प्रमुख अंतर ही यान और महायान का है। महायान में जब से मूर्ति पूजा होने लगी तो महायान की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी और धीरे धीरे लोगों का मन हीनयान शाखा से हटकर महायान शाखा पर ज्यादा आने लगा। आगे आने वाले समय में हीनयान और महायान में से जो महायान शाखा थी इसका प्रचलन ज्यादा बढ़ा। बौद्ध धर्म के अनुयायियों में हीनयान शाखा के स्थान पर महायान शाखा का महत्व ज्यादा बढ़ने लगा। ज्यादातर व्यक्ति महायान शाखा को मानने लग गए। तो महायान शाखा का प्रचलन ज्यादा बढ़ने के जो प्रमुख कारण है वो तीन प्रमुख कारण है। एक तो कनिष्क ने स्वयं ने महायान शाखा को अपनाया और महायान शाखा को भारत का राजधर्म घोषित कर दिया। तो कनिष्क जैसे शक्तिशाली शासक ने जब महायान शाखा को राजधर्म घोषित कर दिया तो महायान शाखा का प्रचलन ज्यादा बढ़ा, एक कारण यह था। दूसरा कारण यह था कि हीनयान शाखा के जो नियम थे वो कठिन थे और महायान शाखा के जो नियम थे वो सरल थे। तो जनसाधारण को, आम लोगों को महायान शाखा के नियमों का पालन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई क्योंकि उसके नियम सरल थे, इसलिए ज्यादातर लोग महायान शाखा को अपनाने लगे। तीसरा कारण कि महायान शाखा में मूर्ति पूजा की जाती थी, उस समय भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया था। तो मूर्ति पूजा करने की वजह से या मूर्ति पूजा का प्रचलन होने की वजह से महायान शाखा की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी और ज्यादातर लोगों ने हीनयान शाखा को छोड़कर महायान शाखा को अपनाना शुरू कर दिया। तो इन तीन कारणों की वजह से, एक तो महायान शाखा को राजधर्म घोषित कर देना, एक महायान शाखा के नियम सरल होना और एक महायान शाखा में मूर्ति पूजा का प्रचलन होना, इन तीन कारणों की वजह से हीनयान के स्थान पर महायान शाखा का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया। और इस प्रकार चतुर्थ बौद्ध संहिति में कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का विभाजन होकर इसके दो भाग हो गए।